वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग आरआईएमसी बैच। बहुत दिनों से आप लोगों के लिए कोई नया वीडियो मैं नहीं भेज पाया था, क्योंकि आप लोगों का नरेशन मैं पढ़ा रखा था आप लोगों को। तो आज ये वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। प्रोनाउंस हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि मैंने बात किया, बात करके फिर मुझे याद आया कि आप लोगों को मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था, और प्रोनाउन में शायद हम लोग सब्जेक्टिव केस पढ़ चुके थे। अगर ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ चुके होंगे तो कोई बात नहीं, अभी जो बताने जा रहे हैं उसको, वो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, ये जो भी नोट्स होंगे काफ़ी डिटेल्ड होंगे और काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आप लोगों के। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो समझ में ना भी आए, हो सकता है, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन अगर फिर भी आप बार बार चीज़ों को देखेंगे तो शायद याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। लेकिन जहाँ भी समझ में ना आए आप लोग कृपया करके क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है वीडियो में, यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे क्लास में। ये प्रोनाउन का केस है, आप समझ भी रहे हैं, और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी से, आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ देखते हैं कि जॉन अब्यूज्ड देम। जॉन इज़ द सब्जेक्ट, ये वर्ब कर रहा है अब्यूज्ड, और इस अब्यूज का ऑब्जेक्ट है देम। तो चूंकि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। वर्ब से ही रिलेट करता है सब्जेक्ट, और वर्ब से ही रिलेट करता है ऑब्जेक्ट। कर्ता जो करता है वो वर्ब होता है, और इस वर्ब का जो प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता ने यहाँ पे गाली दिया, गाली किसको दिया, गाली का प्रभाव पड़ा यहाँ देम पर, तो ये देम ऑब्जेक्ट हो गया। आई टीच हिम, आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, और ये इसका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली सी टोल्ड अस अ स्टोरी, ये अस टोल्ड का ऑब्जेक्ट है। कभी भी ऑब्जेक्ट किसका होगा, वर्ब का होगा, सब्जेक्ट किसका होगा, वर्ब का होगा। बहुत आसान तरीका है इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझने का, अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा पॉइंट है कि यदि दो प्रोनाउंस किसी कंजंक्शन से जुड़कर किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हों तो दोनों प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। अब ऑब्जेक्ट, अब प्रोनाउन एक हो या दो हो, अगर तो वर्ब का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आराम से हो सकता है। जैसे कि यहाँ प्रोहिबिटेड है, जिसका मतलब होता है मना करना, तो इसका ऑब्जेक्ट एक ही है यू, और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये मी, तो ये दोनों ही के दोनों किस रूप में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, ये अलाउड एक वर्ब है, इस इन किसको अलाउ करेगा, तो किसी ना किसी को तो करेगा, तो एक को करेगा या तो अनेकों को करेगा, तो दो को करेगा। तो अलाउड हिम एंड कौन, मी, तो ये दोनों यहाँ के ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसको याद रखिएगा, वर्ब के बाद अगर आ रहा होगा वर्ब का प्रभाव तो वो ऑब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल होगा, वर्ब के पहले लिखा होगा तो वो सब्जेक्ट होगा। इस बात को आप पक्का पुक्की याद कर लीजिए। ठीक है, बड़ा आसान हो जाएगा आपको अंग्रेज़ी समझना अगर इस दो एक सिंगल छोटे से बात को समझ लेते हैं तो, कि वर्ब का संबंध सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से होता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा, कुछ अपवादों को छोड़कर। उन अपवादों केसेस के बारे में भी पढ़ते पढ़ते समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि यदि नाउन तथा एक प्रोनाउन किसी कंजंक्शन से जुड़े हों और वर्ब का ऑब्जेक्ट का रूप काम कर रहे हो, तो भाई सीधी सी बात है वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। अब दो प्रोनाउन साथ में आए या नाउन के साथ जुड़ के आए, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। जैसा कि यहाँ लिखा है इनवाइटेड मनीष एंड मी, तो इनवाइट का असर किस पे पड़ा, मुझ पे पड़ा,
तो मी ऑब्जेक्ट केस में आ गया, मनीष एन आई नहीं होगा, नाउन तो नाउन ही रह जाएगा, नाउन को तो चेंज करोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लेट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया पढ़े होगे, ठीक है, उसी तरह से लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसलिए इसके बाद जो आने वाला प्रोनाउन होता है यह हमेशा ऑब्जेक्टिव रूप में होता है, ये लेट के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ये सारे एग्जांपल्स उसी से संबंधित हैं, लेट अस गो, लेट हिम गो, लेट सीता, ये नाउन है और ये प्रोनाउन आ गया तो ऑब्जेक्ट आ गया, लेट यू ये ऑब्जेक्ट है, ये मी ऑब्जेक्ट है, यू जो होता है ऑब्जेक्ट में भी ये यू ही है और सब्जेक्ट में भी ये यू ही है। ठीक है, इसका कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग से नहीं होता है, जैसे ही का हिम हो जाता है, ठीक है ना, उसी तरह से यू का कुछ दूसरा नहीं होता ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर, किसी प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, मुझे याद है कि इसे ऐसा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज़ होगा, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, तो बिटवीन यू एंड मी, यू एंड मी, बिटवीन सीता प्रोनाउन आ गया तो हिम, ठीक है ना, एट लगा है, एट के बाद यू तो ऑब्जेक्टिव केस, ये हिम तो ऑब्जेक्टिव केस, यू एंड ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रोनाउन प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, प्रपोजिशन के बाद क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज़ होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, प्रपोजिशन को ढूंढना, प्रपोजिशन आगे पढ़ाएंगे, लेकिन प्रपोजिशन आप लोग कुछ तो वाकिफ होंगे ही, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लाइक अनलाइक, ठीक है, अगर इनका प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में हो तो इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये तो सीधी सी बात है, बता चुके हैं, हमको याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को ये सब बताया है, लेकिन फिर भी चलो रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का, तो लाइक हिम, लाइक हर, लाइक मी, अनलाइक देम, ठीक है, तो ये सारा किसके रूप में है, प्रपोजिशन के रूप में है, लाइक और अनलाइक, तो चूंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है, इसलिए लाइक और अनलाइक जब भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होंगे, सॉरी प्रपोजिशन के रूप में यूज़ होंगे, तो ये हमेशा अपने बाद क्या लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेके आएंगे, अगर यूज़ करना हुआ तो, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर, कि लाइक अनलाइक अगर प्रपोजिशन के रूप में आए हैं तो ये हमेशा अपने बाद क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को ही लेंगे, और ऐसे केस में इनका प्रयोग हम जनरली कंपेयर करने के केस में करते हैं, जैसे लाइक हिम, लाइक हर, लाइक मी, अनलाइक देम, उनके जैसा नहीं, ठीक है, तो ये जैसे के प्रयोग में जब भी लाइक या अनलाइक होगा यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्लियर, लाइक एक वर्ब भी हो सकता है, जैसे ही लाइक्स मी, है ना, लाइक एक वर्ब के भी रूप में आ सकता है, जैसे लाइक में अगर लाइक्स लग जाता है, इसके पहले कोई सब्जेक्ट लगा देते हो, यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हो, तो ही लाइक्स मी, इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया है इसलिए यहाँ पर मी लग रहा है और ये वर्ब के रूप में आया है, ये प्रीपोजिशन ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ नंबर, बट का केस, बट इज इक्वल टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, बट इज इक्वल टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के अलावा, तो इसको लेकर के कई सारी विचारधाराएं हैं, लेकिन हम इसके मुख्य विचारधारा को ही समझेंगे, हालांकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ से समझाते चलता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं, बट वाले केस को नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं, यहाँ तक आप पहले सुनिए और फिर समझ के मुझे रिस्पॉन्स कीजिए।